हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस सत्संग कार्यक्रम में। तो आज का जो विषय दिया है वो है शिला सनातन गोस्वामी के ऊपर। तो हमने जो हमारा षड गोस्वामी का जो हमने शुरू किया था सीरीज श्रृंखला, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो षड गोस्वामी अष्टकम, जिसमें श्रील श्रीनिवास आचार्य जो है पूरे 6 गोस्वामियों का गुणगान करते हैं। वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो 6 गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य, डायरेक्ट जो दीक्षा लिए थे चैतन्य महाप्रभु से, उसमें से प्रथम श्रील रूप गोस्वामी और उनके भाई श्रील सनातन गोस्वामी। इसलिए हमारा जो परंपरा है उसको हम लोग रूप अनुगा कहकर संबोधित करते हैं कि हम सब जो गौड़ीय वैष्णव है, हम सब श्रील रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर अनुगमन करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले अपनी लीला किए थे इस भौतिक जगत में, 24 साल चैतन्य महाप्रभु नवदीप मायापुर धाम में थे, और फिर संन्यास लेने के बाद 24वें साल में, तत्पश्चात बाकी का जो समय था वो जगन्नाथपुरी में बिताए 24 साल, और उसमें से 6 साल चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा, सब जगह पर हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार किया, नृत्य करते हुए सब जगह पर गए, जिसके भी संपर्क में आए, कोई ब्रह्मचारी कोई गृहस्थ, अलग अलग लोग जो आए चैतन्य महाप्रभु ने, कुछ लोगों को केवल दर्शन किया, महाप्रभु के पास दर्शन करने के लिए लोग आए, कुछ लोगों ने महाप्रभु को देखा और केवल ग्लैंस, केवल दर्शन मात्र से ही दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु ने उन लोगों को कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में लोगों को पागल किया। कुछ लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आलिंगन किया अपने लंबे लंबे 2 भुजाओं से, और उससे वो व्यक्ति पूरा कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता था। तो ऐसे अलग 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 लोगों को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मिले। तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का पूरा बाढ़ सब जगह पर प्रचार किया, लेकिन जब किताब लिखने का कुछ बात आई तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं शिक्षा के रूप में केवल 8 श्लोक लिखे, जो जो प्रसिद्ध श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम से जो प्रसिद्ध है। तो बताते हैं कि जो भी चैतन्य महाप्रभु को बताना था सार के रूप में, जैसा हम जानते हैं जिप फाइल, उसको आप खोल के एक्सपांड कर सकते हो। तो आपको इतना जो फाइल्स है उसको आप जिप करके एसेंस ऑफ द एसेंस, तो एकदम सार के रूप में एसेंस एकदम कॉन्सेंट्रेटेड चैतन्य महापुरुष ने दिया केवल 8 श्लोक जो उनको बताना था। तो एक एक श्लोक उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चेतो दर्पण मार्जम से लेकर आश्लिष्य वा पादरताम पिनस्तु मां, ये पूरा महाप्रभु का जो शिक्षाएं थी उसको ये 8 श्लोक है। तो स्वयं चैतन्य महापुरुष ने कोई किताब वगैरह नहीं लिखा ऐसे, या फिर ऐसा बहुत सारा चीज शिक्षा के रूप में ऐसे बताए नहीं। तो उन्होंने मुख्य जो ज्ञान था रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को मिलकर चैतन्य प्रभु महाप्रभु ने बहुत सारा उनको ज्ञान दिया। सनातन गोस्वामी को 2 महीने के लिए चैतन्य महाप्रभु मिले, रूप गोस्वामी को 1 हफ्ते के लिए मिले प्रयाग और बनारस वहां पर। तो चैतन्य महाप्रभु ने केवल 8 श्लोक में ज्ञान दिया, और ये 8 श्लोक को और एक्सपैंड और विस्तार करना है
इसका और कैसे समझ सकते हैं, तो फिर महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को शक्ति प्रदान किया कि आपके माध्यम से मैं और किताब लिखूंगा। तो इसीलिए श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी, तो बताते हैं कि एछाई गोसाई कोरे चरण वंदन, जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण। बोलते हैं कि जब हम ये छह गोस्वामियों के बारे में केवल स्मरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो जो भी हमारे भक्तिमय जीवन के लिए जो बाधाएं हैं, वो तो सारा बाधाएं निकल जाती है। तो इसलिए कई बार जब हम भक्ति में नए रहते हैं या भक्ति में हमारा अभी तक हम ज्यादा आगे बढ़े नहीं है, तो कई बार हम जब सुनते हैं हमारे परंपरा के बारे में या फिर कोई महान आचार्य के बारे में जो 400-500 साल पहले आए थे, तो हमारा ज्यादातर जो हम विश्वास होता है, कुछ चीज हम देखते हैं, कोई गुरु को देखते हैं, मिलते हैं, उनसे सुनते हैं, उनको देखकर हमें पता चलता है हाँ इनके पास भक्ति की शक्ति है। जो गुरु महाराज को देखते हैं, मिलते हैं, तो हमें उनके साथ एक कनेक्शन लगता है, उनसे हम देखकर उनको फोटो रखते हैं, क्योंकि तो लाइव हमने उनको देखा है, तो उनसे उनको फोटो के माध्यम से उनके बारे में स्मरण करना आसान हो जाता है ना? लेकिन जब आचार्यों के बारे में कभी पढ़ते हैं हम लोग जो 300-400-500 साल पहले आए हैं, तो कई बार हमारा फिजिकल कनेक्शन न होने के वजह से कभी हमने देखा नहीं, तो हमें कई बार लगता है अरे हम कैसे, कौन है, कहाँ पे है, क्या हम जो प्रार्थना कर रहे हैं हमारी बात सुनते हैं क्या। तो ऐसे कई बार अलग अलग तरीके का प्रश्न जो है हमारे मन में आती है, लेकिन शास्त्र के आधार पर हमको विश्वास होना चाहिए कि जो भी हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो एक एक जो महान आचार्य की बात आती है, क्योंकि तो जो आध्यात्मिक स्तर पर जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए समय और जगह, टाइम और प्लेस, ये दोनों चीज का कभी भी उनके ऊपर बंधन नहीं होता है। क्योंकि तो हम भौतिक जगत में, ये भौतिक शरीर में बंधे हुए हैं, तो हमको समय और जगह से हम बंधे हुए हैं। हमारा जो फ्रीडम है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, काफी बंधा हुआ हमारा फ्रीडम है। हम कहीं पर चाहे तो एक क्षण जा नहीं सकते, और सब कुछ हमारा बंधा हुआ है टाइम जोन के अतिरिक्त और जगह से अतिरिक्त। तो लेकिन जब महान वैष्णव आचार्य की बात आती है, जैसे जो भी हमारे परंपरा में महान वैष्णव आचार्य, षड गोस्वामी, तीनों ठाकुर, ये लोग जो आध्यात्मिक स्तर पर है, इन लोग कहाँ पर भी कभी भी आ सकते हैं, कभी भी किसका भी प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। अगर कोई सच्चे हृदय से उनके बारे में श्रवण करता है, उनको पुकारता है, तो वो व्यक्ति साक्षात स्वरूप में उस जगह पर, वहां पर उपस्थित होते हैं और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए वहां पर आते हैं। तो यही वास्तविक भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर, इसमें फर्क यही है कि भौतिक शरीर में जैसे ही शरीर चला जाता है, सब चीज हम भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। अगले शरीर में चले जाते तो पुराना कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन आध्यात्मिक शरीर जिसको मिल जाता है एक बार, तो उन्हें सब चीज सब कुछ याद रहता है, आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी चाहिए, जहां पर भी क्या है, सब उनको पता होता है। तो ये वास्तविक आध्यात्मिक शरीर एक अलग ही तत्व है पूरा। और जो भी शुद्ध भक्त जो आध्यात्मिक स्तर पे, जैसे हम नारद मुनि के बारे में कई बार सुनते हैं, नारद मुनि ट्रांसेंडेंटल स्पेस में, जहां पर भी उनका शरीर है और कहीं पर भी वो ट्रैवल कर सकते हैं, कोई
कोई भी उनका बंधन नहीं है ये लोग से दूसरे लोग जाना है या दूसरे लोग से तीसरे लोग जाना है, क्योंकि शरीर ही एकदम अलग है। लेकिन हमारा शरीर ऐसा नहीं है, हमको यहाँ से अगर एक दूसरे देश में भी जाएंगे तो उस जगह का हिसाब से हमारा शरीर एडजस्ट होने में समय लगेगा। बाकी अलग लोकों में जाना तो दूर की बात है, अगर प्लेन में जाते हैं तो उधर एक अलग ही पूरा ये होता है, क्योंकि बाहर का वातावरण पूरा अलग है, आसमान के वहां पर भी एक अलग वातावरण होता है। चंद्रलोक में जाएंगे तो ये शरीर के साथ नहीं जा पाएंगे, अलग वातावरण। तो हमारा शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है, ये भौतिक जगह भी अलग अलग जगह पर अलग अलग वातावरण होने के वजह से हम जा नहीं सकते। लेकिन महान जो शुद्ध भक्त होते हैं वो लोग कहीं पर भी किसी भी जगह पर जब उनकी इच्छा है, कोई भी उनके बारे में तीव्रता से सुनता है और उनसे प्रार्थना करता है, तो उस क्षण पर वो वहां पर उस श्रोतागण को आशीर्वाद देने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए जब हम षड गोस्वामी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि केवल श्रवण के माध्यम से ही, केवल शब्द ध्वनि के माध्यम से जब हम तीव्रता से उनके बारे में सुनते हैं और उनके बारे में ध्यान करते हैं तो इससे वो उस स्थान पर उपस्थित होते हैं और हम सबको हमारे भक्ति में जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है उसको निकालने के लिए वो हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए उनसे नित्य नित्य उनका स्मरण करना चाहिए। पूछे गोसाई मोरा चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। तो इसलिए जो भी षड गोस्वामी के बाद जो और भी जो आचार्य हमारे परंपरा में आते हैं सब लोग षड गोस्वामियों के बारे में स्मरण करते हैं। जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, वो इतना सुंदर कविता लिखा उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूरा उनका जीवन के बारे में उन्होंने लिखा चैतन्य चरितामृत में। लेकिन हर एक अध्याय होने के बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो आखिरी श्लोक आप देखेंगे हर एक अध्याय का लास्ट श्लोक, श्री रूप रघुनाथ करे मोरा आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैं श्रील रूप गोस्वामी और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, तो मुख्य रूप से दो गोस्वामियों का दंडवत हर एक अध्याय के बाद कि मैंने ये अध्याय लिख पाया हूं क्योंकि मेरा कोई योग्यता नहीं है। क्योंकि कविराज गोस्वामी 90 साल से भी अधिक उनका उम्र था जब उनको ये सेवा करने का आदेश मिला कि आप ये भक्तों की प्रसन्नता के लिए चैतन्य चरितामृत लिखो, तो उनको लगा अरे मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरे को तो मैं देख नहीं पाता हूँ, मैं सुन भी नहीं सकता, अभी बूढ़ा हो गया, लेकिन वैष्णव लोग अगर मुझे ये सेवा दे रहे तो अवश्य रूप से वो मुझे शक्ति भी प्रदान करेंगे। तो वो षड गोस्वामियों को प्रार्थना करते कि आप मुझे शक्ति दो कि मैं ये बूढ़े अवस्था में भी चैतन्य चरितामृत लिख सकूं। तो फिर रूप श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, मैं रूप और रघुनाथ रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों पर प्रार्थना करता हूँ और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चरितामृत का ये अध्याय पूरा। ऐसे करके हर एक अध्याय के बाद आखिरी श्लोक में चैत गोस्वामियों को दंडवत कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे लिए जो षड गोस्वामी जो साक्षात शुद्ध भक्ति के एक स्वरूप है, तो उनसे उनको चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप जो है आपकी शिक्षाओं जो मैंने आपको दिया है किताबों के माध्यम से आप जो है संबंध अभिधेय और प्रयोजन के बारे में आप लिखो, और आपकी किताबों के माध्यम से आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो कलयुग में आपकी किताबों को पढ़कर भक्ति कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए आज हम श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी जो अष्ट सखियों में से, जैसा हम जानते हैं
ललिता विशाखा अष्ट सखी है, और अष्ट सखियों को जो सेवा करते हैं उनके असिस्टेंट जो है वो मंजरी है, और उन मंजरियों से में से जो दो लीडर है श्री रूप मंजरी और श्री लबंग मंजरी। तो रूप मंजरी इस भौतिक जगत में रूप गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध थे, जो रूप मंजरी थी वो रूप गोस्वामी के रूप में यहाँ पर आए, और श्रील सनातन गोस्वामी जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं वो श्रील रति मंजरी या श्रील लबंग मंजरी जो थे वो यहाँ पर हम सबको कृपा करने के लिए वो सनातन गोस्वामी के नाम से रूप में यहाँ पर उस भौतिक जगत में आए। तो हम देखते हैं कि ये जो मंजरी है, जो हमारे गोस्वामी है, ये कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं, सब लोग राधा कृष्ण को माधुर्य रस में एकदम निकट से, सखियों को राधा कृष्ण का हृदय जो है अष्ट सखियां जानती है, और उनके निकट जो है मंजरी है, तो ये हमारे आचार्य है। तो कैसे राधा और कृष्ण तक पहुंचना है और क्या करने से राधा और कृष्ण जल्द से जल्द प्रसन्न हो सकते हैं, ये सब चीज का जो साक्षात्कार है वो बहुत नेचुरल है कि आप अगर कोई व्यक्ति के निकट है तो आपको आपसे ज्यादा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। अगर कोई घर में एक पति है वो अपने पत्नी को अच्छे से समझ सकता है, उसको क्या अच्छा लगता है उसको क्या नहीं अच्छा लगता है, उससे ज्यादा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई पत्नी है वो अपने पति को सबसे नजदीक से वो समझ सकती है, फुल अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई व्यक्ति को कोई अच्छे से जान सकता है तो नजदीक का व्यक्ति ही जान सकता है, और किसी को उस व्यक्ति के बारे में पूछना है तो जो सबसे नजदीक है उसी को आप पूछकर आप जान सकते हैं कि बाबा इनको क्या अच्छा लगता है इनको क्या नहीं अच्छा लगता है, तो ये सब चीज नजदीक वाला व्यक्ति बता सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम राधा और कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, राधा और कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति योग करके, तो क्या करने से राधा कृष्ण जल्द से जल्द प्रसन्न हो सकते हैं और क्या करने से वो प्रसन्न नहीं हो सकते, तो इसके बारे में ज्ञान वही व्यक्ति बता सकता है जो उनके निकट रहकर सेवा करता है, तो वो है अष्ट सखियां और मंजरी। तो इसलिए सनातन गोस्वामी जो बहुत ही नजदीक से राधा और कृष्ण की सेवा में लगे हैं रति मंजरी या लबंग मंजरी के रूप में, वो इस भौतिक जगत में आकर हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो सनातन गोस्वामी थे वो कर्नाटक में जो सारस्वत ब्राह्मण जो परिवार है कर्नाटक में, तो वहां पर भारद्वाज गोत्र, जैसा हम जानते हैं अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग गोत्र होता है, तो वो थे भारद्वाज गोत्र जो बड़े ऋषि थे उस लाइन में वो आते थे, और उनकी माता का नाम जो है रेवती देवी और उनके पिता का नाम जो है कुमार देव। रेवती देवी और कुमार देव इनके घर में तीन बच्चों का जन्म हुआ जो थे अमर संतोष और अनुपम। तो अमर बने बाद में चलकर श्री रूप गोस्वामी, संतोष बने बाद में चलकर श्री सनातन गोस्वामी, और एक भाई थे वो थे अनुपम। वो जल्दी उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो इसलिए ज्यादा उनके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है, तो ज्यादा सनातन गोस्वामी के बचपन के बारे में बताया जाता है कि एक बार सनातन गोस्वामी बचपन में सोए थे तो उनको एक सपना आया। वो सपने में उन्होंने देखा कि बहुत ही एक तेजस्वी ब्राह्मण आया है
और उनको श्रीमद् भागवतम जो है भेंट स्वरूप उनको दे रहा है। और सनातन गोस्वामी एकदम आनंदित थे कि श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ को स्वीकार करने के लिए, लेकिन वो सपने में था। और वो सब होने के बाद सवेरे के समय पर जब सनातन गोस्वामी जो बालक के रूप में संतोष वो थे तभी अभी, तो संतोष जब उठे बेड से उठे और उन्होंने देखा कि अरे जो श्रीमद् भागवतम मेरे हाथ में था कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, तो वो उनको मिला नहीं क्योंकि वो सपने में था। वो बहुत दुखी हो गए, अरे भागवतम भागवतम, और फिर एकदम यहाँ वहां पर देख रहे थे, अरे मेरा भागवतम कहाँ गया भागवतम। और उसी समय पर घर में उनका किसी ने खटखटाया, और खटखटाने के बाद जब उन्होंने दरवाजा खोला तो खोल के देखा तो वही ब्राह्मण जो उनके सपने में आया था और उनको भागवतम दिया, वही अभी लाइव वास्तविक रूप में वही ब्राह्मण आकर दरवाजा खोलकर उनको श्रीमद् भागवतम उनको भेंट दिया। और उस दिन से सनातन गोस्वामी जो थे अपने जीवन में श्रीमद् भागवतम के अभ्यास में गहरा 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 चले गए। एकमात्र उनके जीवन में जो अमूल्य रत्न था सनातन गोस्वामी को लिए वो था श्रीमद् भागवतम ये बचपन में। तो वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है हम सबके लिए। इसलिए बताते हैं कि भक्तों के जीवन में भी जो है अलग, हर एक आचार्य के जीवन में देखेंगे श्रीमद् भागवत को जो है उन्होंने सबसे अधिक प्राधान्य जीवन में दिया, क्योंकि तो श्रीमद् भागवतम जो है एक साधारण ग्रंथ नहीं। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट मृषाम एकाम पुराणार्को अधुनो उदितः। श्रीमद् भागवतम क्या है? कृष्णे स्वधाम उपगते, भगवान कृष्ण जब 500 साल पहले 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए, कली आने वाला था, द्वापर युग का अंत हो रहा था, भगवान कृष्ण ने सब लीला करके अभी बोले कलियुग आ रहा है अभी निकल जाते, और जाने के पहले उन्होंने अपने सारा यदुकुल को भी यहां से पहले ये कर दिया, निकल जाओ अभी यहाँ पे मत रहो भौतिक जगत में, कलियुग आ रहा है खास कर चले जाओ, और भगवान भी चले गए। तो फिर अंधेरा हो गया सब जगह पर, और उनके साथ साथ धर्म ज्ञान सब साथ में चला गया, क्योंकि कलियुग आ रहा है, कौन रहना चाहता है कलियुग में, इतना खतरनाक युग है। लेकिन भगवान ने किस रूप में अवतार लिया? कलो नष्ट मृषाम एकाम पुराणार्को अधुनो उदितः। कलियुग पूरा अंधेरा है, घनघोर अंधेरा, जहां पर कोई जानता नहीं है कि कैसे वास्तव में हम सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं, ये ज्ञान नहीं है किसी को। और श्रीमद् भागवतम जो है पुराणार्को, अर्क अर्थात सूर्य, तो श्रीमद् भागवत को एक सूर्य के समान तुलना किया गया है कि भगवान जो थे कृष्ण वो स्वयं ग्रंथ अवतार। जब भगवान कोई विग्रह में आते हैं तो उसको अर्च अवतार कहते हैं। तो हम भगवान जब एक गुरु के रूप में आते हैं तब उनको हम गुरु बोलते हैं, जो भगवान के प्रतिनिधित्व है। और वही भगवान जब शास्त्र के रूप में आते हैं, खासकर श्रीमद् भागवतम जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए रेकमेंड किया गया है, वही भगवान जो है ग्रंथ अवतार श्रीमद् भागवत के रूप में आता है। इसलिए बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति को अगर भक्ति में प्रगति करना है और भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ना है तो कम से कम प्रतिदिन कितना भी समय मिले ना मिले, लेकिन कम से कम एकाध श्लोक तो एटलीस्ट श्रीमद् भागवत का हमें पढ़ने का प्रयास करना, 10 से 15 मिनट तक एक भागवत का श्लोक
उसको पढ़कर उसका तात्पर्य, कनेक्शन होना चाहिए हमारे श्रीमद् भागवत के साथ। एक श्लोक पढ़कर हम उस पर फिर मनन कर सकते हैं, एटलीस्ट बेसिक उतना तो हमारे पास टच होना चाहिए। अगर अधिक समय मिले तो बहुत ही अच्छा है, ज्यादा समय श्रीमद् भागवत के साथ बिता सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय था रात के समय पर 10 से लेकर 2-3-4 बजे तक उन्होंने श्रीमद् भागवत का तात्पर्य और अनुवाद के लिए समय बिताया। क्यों? क्योंकि तो प्रभुपाद को पता था कि अगर मैं आगे चलकर मेरे अनुयायियों को अगर कलियुग से पार होकर माया के जाल से अगर बचकर निकलना है तो एकमात्र जो ग्रंथ है जो इनको बचा सकता है ये भवसागर से पार करने के लिए वो है श्रीमद् भागवत का ज्ञान। इसलिए प्रभुपाद ने ज्यादा समय उसके ऊपर प्रभुपाद ने फोकस किया। इसलिए भागवत जो है कभी भी हमें श्रीमद् भागवत को समझना चाहिए नहीं चाहिए कि हाँ ये बस साधारण किताब है बस है, नहीं, ग्रंथा अवतार स्वयं भगवान कृष्ण। तो जितना हम भागवत के संपर्क में आएंगे, जितना हम भागवत के श्रवण करेंगे, उतना हमारा आध्यात्मिक जो शक्ति है उतना हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस्कॉन में अगर कुछ चीज हमको प्राप्त करना है तो केवल दो चीजें महत्वपूर्ण रूप से, एक है हरि नाम और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। बहुत सारी चीज है इस्कॉन में, लेकिन जो साउंड वाइब्रेशन जो है, शब्द ध्वनि जो हमको कृष्ण के साथ जोड़ सकता है वो हरिनाम और श्रीमद् भागवतम। ये दो चीज को अगर हमने पकड़ा है तो इस्कॉन में हम लोग ने मेन चीज को पकड़ लिया। लेकिन ये दो चीज को छोड़ दिया हमने और बाकी कुछ चीज हमने पकड़ा है इस्कॉन में तो फिर असली चीज हमने पकड़ा नहीं। तो इसलिए इस्कॉन में कई लोग अलग अलग कारण से आते हैं, लेकिन ये हमें आज नहीं तो कल कभी ना कभी समझना है कि महत्वपूर्ण चीज जो श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है वो है हरिनाम और श्रीमद् भागवतम, और बाकी अलग 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 जो चीज दिया है वो अंत में ये दो चीज के ऊपर ही आगे जाने के लिए हमें बाकी सब चीज दिया है। भक्तों का संग हमें दिया है, लेकिन भक्तों का संग में क्या करना है? श्रीमद् भागवत और भगवद गीता के ऊपर चर्चा करना। मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा। भक्त लोग साथ में आते हैं तो मेरे बारे में कथा का चर्चा करते हैं जिससे उनका हृदय आध्यात्मिक चेतना उनका हृदय का विकास होता है, कॉन्शियसनेस का एलिवेशन होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो सनातन गोस्वामी और अनेक आचार्य के जीवन में हम देखेंगे श्रीमद् भागवत को सेंटर में रखकर उसके हिसाब से उसके आदेश के अनुसार जो श्रीमद् भागवत हमें क्या बता रहे हैं, अर्थात कृष्ण स्वयं भागवत से हमको सुन रहे, मतलब साक्षात भगवान से सुन रहे क्या मेरे लिए आदेश है, कैसे मुझे अपना जीवन आगे चलाना चाहिए, वो संदेश कौन देता है? कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप से हमारा गाइडेंस करते हैं। अगर हम उस दृष्टिकोण से भागवत को अगर हम खोलेंगे कि आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए भगवान, मैं अभी क्या करूं, तो श्रीमद् भागवत से हमको उत्तर मिलेगा। इसलिए कई भक्तों का साक्षात्कार है, मैंने कई भक्तों से सुना है कि जब मन में कोई प्रश्न है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ए क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता है, तो केवल श्रीमद् भागवत को सामने रख के प्रार्थना करते हैं, भगवान अभी मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुविधा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या सही क्या गलत है, मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं, ये नहीं, आप मार्गदर्शन दीजिए। और एग्जैक्ट ऐसा पन्ना खोलते और श्रीमद् भागवत से प्रभुपाद के तात्पर्य से उनको उनका जो प्रश्न है जो संकोच है उसका आंसर मिलता है। तो सच्चे रूप से अगर हम श्रीमद् भागवत को खोलेंगे और पढ़ेंगे तो हमको साक्षात भगवान कृष्ण का अनुभव उसमें होने लगेगा। तो ये अनुभव करने वाली या साक्षात्कार करने वाला बात है।
तो इसलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवत जब से सनातन गोस्वामी को मिल जाता है उस समय से सनातन गोस्वामी पूरा उसके अंदर गहरा गहरा गहराई में वो जाते रहते हैं। और सनातन गोस्वामी जो थे वो बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान थे। संस्कृत भाषा तो उनको आता ही था, उसके बहुत बड़े स्कॉलर थे वो, लेकिन साथ साथ में अन्य और भी जो पर्शियन बंगाली अलग अलग जो भाषा था उसमें भी वो लोग निपुण थे, सनातन गोस्वामी और उनके भाई रूपुर सोम। और जो उनका इतना सब ज्ञान और इतना विद्वंता संस्कृत में पंडित निपुण, भौतिक दृष्टिकोण में अगर किसी को पास कोई पैसा होता है या कभी किसी के पास धन है या कोई ज्ञान है शक्ति है, साधारण व्यक्ति जो है बहुत अहंकारी हो जाता है। बोलते ना कुछ भी भौतिक मिल जाता है तो व्यक्ति अपने आप को मैं सबसे अलग हूँ, होलियर देन दाउ एटीट्यूड, गर्व आने लगता है। भौतिक जगत में ये लक्षण, लेकिन इनके पास सब कुछ होने के बाद भी जो इनका स्वभाव था वो एकदम नम्र है, क्योंकि व्यक्ति नम्र कब रहता है, जब सब कुछ होने के बाद जब व्यक्ति को पता है कि ये जो भी मेरे पास भौतिक धन है, मेरी शक्ति है, मेरी बुद्धि है, जो भी भौतिक ऐश्वर्य है, जब कोई व्यक्ति को पता चलता है कि ये सब चीज जो है भगवान ने मुझे दिया है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, तो वास्तविक रूप से जब कोई व्यक्ति उस चेतना में रहता है तो वो हमेशा नम्र रहता है। कितना भी धन होने पर वो गर्वित नहीं होता है, कितना भी बुद्धि होने पर या शक्ति होने पर या सुंदरता होने पर लेश मात्र का भी उसमें गर्व नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान ने दिया है। वो चाहे तो दे सकते हैं एक क्षण में सब कुछ, और चाहे तो एक क्षण में सब कुछ वो ले भी सकते हैं अगर कोई गर्व कर रहा है तो। आज ही गौरांग प्रभु बता रहे थे सवेरे हमारे प्रवचन के समय पर, दो तीन घंटा बहुत सुंदर गौरांग प्रभु ने प्रवचन दिया, बता रहे थे कभी ये पैंडेमिक कोविड के टाइम पे कई सारे उनको ईमेल्स आ रहे, कोई मित्र है कोई भक्त है तो जो दुनिया भर में प्रवास करते हैं, तो खासकर अमेरिका इधर उधर यहाँ पर उनके काफी IIT के मित्र सब है, तो प्रभु जी बता रहे थे कि उनको ईमेल आ रहा है कि प्रभु जी इतने साल से हम लोग इतने बड़े कंपनियों में CEO के पद में रह चुके और इतना सब हम लोग कंपनी को यहां से वहां ऊपर के स्तर पर लेके गए, इतना हम लोग उस पद से आसक्त थे, CEO पद मतलब अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनी मतलब ये कोई छोटा चीज नहीं है, मैंने कुछ करके दिखाया, सोचो कितना एक गर्व होता है। लेकिन वो बोल रहे कि अभी ये कोविड होने के समय में अभी हमारे कंपनी से हमको ऐसा यू आर आउट रिजाइन करके नोटिस आया, वी आर अनेबल टू टेक इट। सोचो आसान नहीं है, जो व्यक्ति का जो उपाधि है केवल मैं CEO हूं, अगर आपका आइडेंटिटी में जहां पर है उधर आपका हृदय पूरा उसी नहीं है ना, क्योंकि जहां पर आपने आपका जो इमोशंस है आपकी भावना आपने जिसमें डाला है और वो चीज अगर हिलने लगता है आपका, तो कैसे आपको पूरा आपका पूरा अस्तित्व हिल जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने केवल टेम्पररी चीज के ऊपर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट करके रखा, उस बैंक में उसने पैसा डाला जो बैंक आज नहीं तो कल डूबने वाला है, तो फिर सच्चाई जब आती है तभी व्यक्ति पूरा हिल जाता है, लेकिन तब तक उसको बुद्धि नहीं चमकता है कि यार आज नहीं तो कल ये जाने वाला है। अगर अध्यात्म का उसको साइड नहीं पता है तो कई बार व्यक्ति सोचता है हाँ
मैंने ये किया, ये मेरा ये है, मेरा वो है, तो व्यक्ति का उपाधि पूरा हिल गया और व्यक्ति लिटरली डिप्रेशन में सुसाइड करने के स्तर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अभी पूरा वो जो पद था सीईओ का वही पूरा चला गया और उसके साथ में जो सोशल स्टेटस था ये वो सब चला गया, क्योंकि बता रहे थे। इसीलिए हमको हमेशा हमारे आचार्य सिखाते कि जो इटर्नल चीज है, टेम्पररी चीज में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आज नहीं तो कल हमको समय बदलते समय से कहीं ना कहीं हमको हमको शॉक मिलेगा, क्योंकि टेम्पररी चीजों में हमने इन्वेस्ट किया। लेकिन परमानेंट चीज में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो इटर्नल चीज या परमानेंट चीज जो है जो कभी बदलता नहीं है, उसमें कभी भी हमको धोखा नहीं होगा। इसलिए हमारा शेल्टर क्या होना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो देखते हैं सनातन गोस्वामी इतना सब होने के बाद भी कभी भी उनको गर्व नहीं था, क्योंकि उनको पता है भगवान चाहे तो दे सकते हैं और अगर मैंने गर्व किया भगवान चाहे तो ले भी सकते हैं। इसलिए हमेशा सही व्यक्ति को क्रेडिट दो और नम्रता से सबके साथ में रहो, तो सबके साथ एकदम प्रेम से नम्रता पूर्वक इनका व्यवहार था, जिससे सब लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते थे। तो यहां तक कि जो उस समय पर जो बंगाल के राजा थे नवाब हुसैन शाह, रूप और सनातन गोस्वामी का जो पॉपुलैरिटी था कि इतने बड़े स्कॉलर है लेकिन इतने नम्र है, इतने बड़े स्कॉलर है लेकिन इतने नम्र है, तो उनका जो पॉपुलैरिटी जा प्रसन्नता उस सब जगह पर फैल गया, क्योंकि सब लोग इनसे आकर्षित होने लगे। जिसके पास सब कुछ है और नम्रता है तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति को देखकर कोई भी आकर्षित होता है, गर्विष्ठ व्यक्ति को देखकर कोई आकर्षित नहीं होता है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी नम्रता है तो वास्तव में हम उस व्यक्ति से आकर्षित हो जाते हैं, कि अंत में नम्रता ही है जो लोगों को आकर्षित कर सकता है। तो नवाब हुसैन शाह ने वो यहाँ पर आ गए कर्नाटक में और उन्होंने कहा सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को कि आप दो जो है मेरे उधर बंगाल में आप दोनों को नौकरी करना, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनना है। तो ऐसा करके दोनों को एक एक पद दे दिया। कौन सा पद? प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। लेकिन इन दोनों को थोड़ा सा भी इच्छा नहीं था। सोचने वाली बात है, सोचिए अगर कोई आपको बुलाकर स्वयं दो पद ऑफर कर रहे, दो भाई है और दोनों को एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पद आपको घर में आकर आपको ऑफर किया जा रहा है सरकार की ओर से, कितने लोग हैं जो उसको स्वीकार नहीं करना चाहेंगे? एक पैर पे सब खड़े हो जाएंगे, अरे बाप रे सामने से क्या बात है। लेकिन इन दोनों को थोड़ा भी इच्छा नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि इस दिशा में जाएंगे तो फिर सब, एक तो मल्लेच राजा नवाब हुसैन शाह उसका संग करना पड़ेगा, फिर उसके साथ साथ मैनेजमेंट करना है तो फिर बहुत सारा चीज आएगा, और जो मनुष्य जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो फोकस है कृष्ण भक्ति करना, वो साइड में रह जाएगा। तो इसीलिए उनका थोड़ा सा भी इच्छा नहीं था, उनका क्लियर था कि मनुष्य जीवन है उसमें भगवान कृष्ण की भक्ति करना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसके लिए सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग करेंगे, बाकी ये सब चीज में ज्यादा हमको ये नहीं होगा। लेकिन नवाब हुसैन शाह ने उनको धमकी दिया, कहा कि अगर आप जैसा मैं कह रहा हूं उसके हिसाब से आप नहीं रहेंगे तो जो भी कर्नाटक में ब्राह्मण है मैं उसको एक एक करके मार दूंगा। तो ये सीधा धमकी दे दिया कि मैं ब्राह्मणों को मार दूंगा। तो अभी बहुत बड़ा दुविधा हो गया, उनको जाना भी नहीं है लेकिन नहीं गए तो नवाब हुसैन शाह ब्राह्मणों को मार देगा, और ये दोनों थे लीडर थे वहां पे ब्राह्मणों के। तो नवाब हुसैन शाह समझ गया अगर ब्राह्मणों को वश में करना है तो ये दो लीडर को अपने वश में करना है।
ऑटोमेटिक पूरा ब्राह्मण समुदाय हमारे वश में आ जाए। तो ये प्लान से उसने इन दोनों के ऊपर ऐसा किया, चाहते न चाहते हुए भी वो जो है चले जाते हैं। और फिर उनके माता पिता को जब पता चलता है कि हमारे बच्चों के ऊपर ऐसा अभी तकलीफ है कि ब्राह्मणों को मार देंगे करके ऐसा बोला है, तो अभी इनको जाना ही पड़ेगा, तो माता पिता भी कुछ कह नहीं पाए, लेकिन मन में बहुत दुखी हो गए कि हमारे जो बच्चे थे, हमारी इच्छा थी कि वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में पूरी तरीके से सेवा दे, लेकिन अभी उनको एक अलग दिशा में जाना पड़ रहा। तो माता पिता को इतना बुरा लगा, पता चलता है कि उस दिन के बाद उनके माता पिता जीवन भर जो अलग अलग यज्ञ था ये कर रहे थे। क्यों? क्योंकि तो हमारे बच्चे जो है पाप का भागीदार बनेंगे, क्योंकि तो नवाब हुसैन शाह जो था उसके अंडर काम करना है, तो वो स्वयं हिंसा करने वाला, गौ मांस को खाने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति के संग में जो रहेगा या ऐसे व्यक्ति का जो आदेश का पालन करेगा उसके ऊपर भी वैसा पूरा पाप का कर्म आएगा। तो इसीलिए हम जो है प्रायश्चित करते हैं कि आगे चलकर हमारे बच्चों को जाने या अनजाने में अभी मजबूरी है, क्या करें, करना पड़ेगा। बताते हैं कि उनके अंत तक माता पिता ने केवल यज्ञ इत्यादि में अपना कार्य लगाया, भगवान को प्रार्थना करते हुए कि हमारे बच्चे जो भी गलत काम वहां पर तो पाप के भागीदार बनेंगे, कृपया करके हम यज्ञ कर रहे जिससे कि उनको उस कर्म में आप बांधो मत भगवान, उनको मुक्त करते रहना। तो ये उनका माता पिता का सबसे उनका हृदय एकदम ये था। और फिर वहां पे चले गए बंगाल में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के साथ। और फिर वहां पे नवाब हुसैन शाह के साथ वहां का कारोबार जो है वो आरंभ हो गया। लेकिन अभी ये भी बुद्धिमान है दोनों, जो कारोबार है जो भी नवाब हुसैन शाह को चाहिए दिन के समय पर वो करते थे, जो भी साधारण जो एक मिनिस्टर का वर्किंग टाइम होता है 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जो भी कहो आप, उस समय पर जो भी था 8 to 4 8 to 6। लेकिन कृष्ण भक्ति का तो उसको छोड़ना नहीं, तो बाकी का जो समय था उस समय में उन्होंने वहां पर एक राम केली नाम का जगह है बंगाल के पास में है, वो बहुत ही अनुकूल जगह था भक्ति के दृष्टिकोण से, काफी नैसर्गिक, एक अच्छा एक वाइब्रेशन बोलते हैं नेचुरल, जैसा गांव में वातावरण होता है पेड़ नदी, तो ऐसा एक उनको अनुकूल वातावरण राम केली में मिला। तो वहां पे उन्होंने सोचा हम जो है यहाँ पर गुप्त वृंदावन इसका निर्माण करेंगे। क्यों? क्योंकि गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए अगर कोई सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है वो है शिला वृंदावन धाम। तो क्योंकि सबसे ऊंचा स्थान जो हमारे आचार्यों ने हमको सिखाया है वो है शिला वृंदावन धाम, वास्तव में वही हमारा घर है। जब प्रभुपाद बोलते हैं गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड, बार बार प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड, अर्थात श्री वृंदावन धाम, जहां पर भगवान कृष्ण राधा श्याम सुंदर वहां पर उपलब्ध है, और यमुना गोवर्धन भगवान अपने गायों के साथ सुंदर लीला कर रहे। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि द गोल ऑफ दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, प्रभुपाद ने कहा कि यमुना के तट में, वृंदावन धाम में यमुना के तट में बैठकर कृष्ण के साथ पिकनिक मनाना, टू बी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना एंड हैव अ नाइस पिकनिक विद कृष्ण। तो ये हमारा सबसे ऊंचा जो लक्ष्य है। तो वृंदावन धाम में इन्होंने वहां पर तैयार किया जो गुप्त वृंदावन जो बनाया उन्होंने वहां पर। तो बताते हैं कि वृंदावन जो है अलग अलग तरीके का वृंदावन है,
एक होता है गोलोक वृंदावन, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। गोलोक वृंदावन अर्थात जहां पर भगवान कृष्ण साक्षात अपने ब्रजवा अपने भक्तों के साथ प्रिय प्रेमी भक्तों के साथ लीला कर रहे, गोलोक वृंदावन ऊपर। और फिर दूसरा वृंदावन है वो है भौम वृंदावन, जहां पर भगवान 5000 साल पहले अपनी लीला किए थे, भौम वृंदावन। और तीसरा वृंदावन है दृश्यमाना वृंदावन, दृश्यमाना वृंदावन अर्थात जो भौम वृंदावन में भगवान चले जाते हैं और अभी लीला वहां पर हमें दिखाई नहीं पड़ रही, हमारे चर्म चक्षु से हम देख नहीं पाते, लीला चल रहा है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। तो इसीलिए अभी उसमें योग माया का आवरण आ गया, हम देख नहीं सकते, उसको दृश्य माना वृंदावन कहते हैं। और चौथा तरीके का वृंदावन है हृदय स्थित वृंदावन, हृदय स्थित वृंदावन अर्थात जो एक शुद्ध भक्त है जो अपने हृदय में वृंदावन को लेकर घूमता है सब जगह पर, तो शुद्ध भक्त के हृदय में जो वृंदावन है वो चौथा वृंदावन, जिसको हृदय स्थित वृंदावन कहते हैं। और पांचवा जो वृंदावन है वो है गुप्त वृंदावन, जो शुद्ध भक्त जो जैसा हमने चर्चा किया चौथे वृंदावन में शुद्ध भक्त हृदय में वृंदावन को लेकर घूमते हैं लेकिन दूसरे लोगों के ऊपर कलियुग के बद्ध जीव के ऊपर करुणा करने के लिए कृपा करने के लिए वो गुप्त वृंदावन अलग अलग जगह पर उस वृंदावन को निर्माण करते हैं, अपनी भक्ति के शक्ति से वो निर्माण करते हैं, जिससे साधारण लोगों को भी एक अवसर मिले जो वृंदावन में नहीं जा सकते हैं डायरेक्ट। तो ये जो हम देखते हैं रामकेली में सनातन गोस्वामी ने ये गुप्त वृंदावन का निर्माण किया। तो गुप्त वृंदावन में जाने से क्या लाभ मिलता है, वो एक उद्दीपन जैसा काम करता है, उद्दीपन अर्थात स्टिमुलस बोलते हैं, स्टिमुलस। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप कोई माता पिता है, खासकर माँ अपने बच्चे से अगर प्यार करती है, छोटा बच्चा है बहुत प्रेम करती है अपने बच्चे से, लेकिन अभी उसका बच्चे को स्कूल चला गया है, स्कूल भेजना है, जूनियर के जी सीनियर के जी बच्चा स्कूल चला गया, अभी बच्चा अभी नहीं है साथ में, लेकिन अगर बच्चे का कुछ घर में कुछ उसका खिलौना है या कुछ उसका सैंडल है या कुछ भी उससे संबंधित चीज है, उसको देखती है तो तुरंत उसका जो माइंड है वो उस बच्चे के ऊपर जाता है। तो इसलिए बोलते हैं ना, जो हमारा विचार है जगह से और चीजों से बहुत कनेक्टेड है, तो इसलिए जिससे हम प्रेम करते हैं वो अगर हमारे आंखों के सामने नहीं है लेकिन उस जगह में या उस चीजों को उससे देखकर हमको तुरंत वो व्यक्ति याद आता है, अरे अरे। तो इसलिए कई बार जिससे हम प्रेम करते हैं अगर वो व्यक्ति चला जाता है तो फिर वही घर में हमको खाने को लगता है, क्यों, क्योंकि हमें बार बार विचार आता है, अरे व्यक्ति के साथ मैं यहाँ बैठता था, मेरे पिता के साथ मैं यहाँ पर सोता था, ये मेरे पिता का कपड़ा है। तो एक एक चीज जो हमारे माता पिता अगर चले गए तो उस घर में उनका एक एक चीज को देखकर हमारा जो भावना है हम केवल रोते रहते, कि जब तक उनसे संबंधित चीज है वो हमारा भावनाओं को तुरंत ये करता है, किंडल करता है, पूरा जागरूक करता है, बहुत ये हो जाता है। इसलिए कई बार लोग घर बदल देते हैं, अगर आप कोई घर में रहे और किसी से आपने बहुत प्रेम किया और वो व्यक्ति चला गया तो घर में रहना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि सब चीज आपको याद दिलाता है। तो कई बार लोगों को इतना ये होता है कि उनको घर बदलना पड़ता है या कई बार वो जगह को ही बदल देते हैं ताकि उतना तकलीफ ना हो मन में। तो ये गुप्त वृंदावन भी ऐसे ही है कि वहां पर आप जो है वृंदावन का एक एक चीज, जैसा गोवर्धन है, यमुना है और जो मुख्य मंदिर है, जैसे गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने वाड़ा गोवर्धन इको विलेज में भी यहाँ पर उन्होंने एक गुप्त वृंदावन बनाया, और ये सनातन गोस्वामी ने
ओरिजिनल जो हमारे गुप्त वृंदावन के फाउंडर आचार्य श्रीला सनातन गोस्वामी, इनके पद चिन्हों पर चलकर गुरु महाराज ने यहाँ पर बनाए। तो इसका लक्ष्य वही है कि जो लोग वृंदावन बार बार नहीं जा सकते, बंबई से वृंदावन हमको जाना है तो हम नहीं जा पाएंगे, 17-18-19 घंटा लगेगा जाने आने का, उतना समय टाइम बहुत सारा चीज है। लेकिन वही अगर एक शुद्ध भक्ति इच्छा करता है कि जीवात्मा को वृंदावन का एक क्या है, एक इतना सैंपल चखाएंगे, तो वैसे ही वही शक्ति के साथ एक शुद्ध भक्त अपनी भक्ति के शक्ति से यहाँ पर निर्माण किया। तो बंबई से अगर किसी को आना है तो 1-2 घंटे में वो गोवर्धन इको विलेज में आकर वृंदावन का बोलते ना जो स्टिमुलस, जो अगर कोई ऑलरेडी वृंदावन जाके आया है मथुरा के वहां पर, तो यहाँ पर आकर मंदिरों को गोवर्धन को देखकर उसका जो ध्यान है उस भौम वृंदावन की ओर जागरूक कर सकता है। तो एक स्टिमुलस की तरह वो काम करेगा जो हमारे भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है। वृंदावन के बारे में ध्यान करना, जिससे वृंदावन जाने के लिए हमारी इच्छा हम जागरूक कर सकते हैं। और केवल इच्छा जागरूक करने से नहीं होगा, उसके लिए जो प्राइज है, प्राइज इन टर्म्स ऑफ जो आध्यात्मिक हमारा जो चीज हमको नियम पालन करना है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कई बार हम हमारा जो अभिधेय है, जैसा हम जानते हैं संबंध अभिधेय और प्रयोजन, संबंध अर्थात पहले ज्ञान को प्राप्त करना कि हमारा और कृष्ण के साथ क्या संबंध है, उस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। दूसरा है अभिधेय, अभी आगे कैसे बढ़ना है कृष्ण के पास। और तीसरा है प्रयोजन, प्रयोजन अर्थात जो हमारा अल्टीमेट गोल, क्यों हम कर रहे जो हम कर रहे, व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। तो इसीलिए अगर हमारा गोल अगर क्लियर नहीं है, इस्कॉन में हम क्यों आए हैं, आध्यात्मिक संस्था में क्यों आए हैं, अगर हमारा प्रयोजन गोल अगर क्लियर नहीं है, हमारा संबंध क्लियर नहीं है और हमारा प्रयोजन क्लियर नहीं है, तो हमारा जो अभिधेय है, जो हमारा प्रोसेस है, जो डेली डेली हम फॉलो कर रहे हैं, वो हमेशा ढीला रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा अभिधेय, जो हमारा प्रोसेस है जप करना और बाकी जो भी ये नहीं करना, हाँ सम डूस एंड सम डोंट्स, कुछ नियम हमें बताया जाता है जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है उसको करना है और जो प्रतिकूल है उसको नहीं करना है, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जन, डूज एंड डोंट्स। लेकिन ये सब नियम तभी हमको पालन करने का मोटिवेशन या इंस्पिरेशन आएगा अगर हमारा संबंध ज्ञान और हमारा प्रयोजन, क्यों हम कर रहे हैं इतना सारा नियम, ये वो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सोला मला करना है, ये नहीं खाना है, भक्तों का संग करना है, श्रीमद् भागवत करना है, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब, उसका क्लैरिटी बहुत क्लियर होना चाहिए कि अभी हमारा प्रयोजन क्या है, वृंदावन धाम। अगर हम वृंदावन धाम जाना चाहते हैं, जो हमारा वास्तविक अवर इटर्नल होम, जैसा हम देखते हैं कई बार भक्तों का टी शर्ट होता है, वो टी शर्ट में लिखा है आई हैव लॉस्ट माय हार्ट इन वृंदावन, मैं जो हूं अपना हृदय मैंने वृंदावन में खो दिया। तो अच्छा है टी शर्ट में लिखा है, लेकिन वो टी शर्ट से थोड़ा निकल कर वो हमारे हृदय में अगर प्रवेश करेगा वो स्लोगन आई हैव लॉस्ट माय हार्ट इन वृंदावन, बहुत अच्छी बात है। हमारा संस्था का जो पर्पस मुख्य उद्देश्य वही है कि हमें वृंदावन के लिए पागल होना है, लेकिन एक सहजीय की तरह हमको पागल नहीं होना है। सहजीय क्या है, उनको भी वृंदावन के लिए पागल होना है, उनको भी राधा कृष्ण के लीला को देखकर सुनकर वो भी पागलपन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन चीपली, उनका अभी तक योग्यता नहीं आया है और केवल भावनात्मक दृष्टिकोण से वो वृंदावन राधा कृष्ण बोल रहे। तो हमारा अगर गोल क्लियर है तो उसके लिए जो भी साधना
सेवा, संग इत्यादि की जरूरत है, उसको हम किताब के माध्यम से सुनकर, वरिष्ठ वैष्णव से सुनकर, हम उसके लिए जो अनुकूल चीज है उसको करते हैं। तो कुछ चीज हासिल करना है तो उसके लिए जो मूल्य है उसका कॉस्ट है। इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू हैव टू पे द रिक्वायर्ड प्राइस, नथिंग कम्स फ्री। कोई भी चीज फ्री में नहीं आता है। भौतिक चीज में कुछ खरीदते हैं उसका मूल्य हम चुकाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर वृंदावन हमें चाहिए तो उसके लिए जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो मूल्य है, जरूरत है, उसको हमें चुकाने के लिए। और वृंदावन धाम ही ऐसा है कि कोई भी वहां पर जाएगा, हाँ आप में से कई लोग वृंदावन यात्रा गए हैं, और जो पहली बार गया है कुछ अनुभव आया है। वास्तव में हम सबको धाम यात्रा में कुछ ना कुछ अनुभव आता है, और वृंदावन खासकर भगवान का नित्य घर है। तो वृंदावन जाते समय यमुना नदी का स्नान, गोवर्धन परिक्रमा, अलग अलग जगह पर हम गए। अभी हमारे एक ब्रह्मचारी लॉकडाउन के समय पर, इतना विशेष राधा रानी ने उनके ऊपर कृपा किया, हमेशा वृंदावन में जाने का उनका इच्छा होता था। तो क्या भगवान ने उनके लिए अरेंजमेंट किया कि उस समय पर 3 दिन के लिए उनको मंदिर ने जीवी से परमिशन मिला था। वो बोले मुझे वृंदावन जाना है, ऐसा करके बहुत इच्छा हो रहा है। बोले ठीक है आप 3 दिन के लिए जाके आओ, हम आपको परमिशन देंगे, हाँ ये सेवा है, लेकिन चलो ब्रेक चाहिए था उसको। तो वो गया था वहां पर थोड़ा, तो खासकर वहां पर 24 घंटे का कीर्तन का एक वहां पर एक विशेष आइंद्र प्रभु ने मंडली चालू किया, तो वहां पर उसको जाकर अटेंड करने का काफी इच्छा होता है, 24 आवर्स कीर्तन। तो 3 दिन के लिए वहां पर गया, लेकिन राधा रानी ने ऐसा कृपा किया कि उस समय पर लॉकडाउन इम्पोज हो गया, और 3 महीने का उसका जो विजिट था वो अभी चाहते न चाहते हुए भी निकल नहीं सकता है। तो इतना खुश हो गया, हाँ जब बोलते ना कोरोना में कुछ लोग रो रहे हैं और कुछ लोग खुश है, तो हमारे ब्रह्मचारी बता रहे थे कि वो लॉकडाउन में सबसे खुश थे, क्यों? क्योंकि सब कुछ बंद है, और यहां से अभी मैनेजमेंट उनको बुलाएगा नहीं क्योंकि सब बंद है, अभी नहीं आ सकते। तो वो फोन करके बुला पूछ रहे हैं यहाँ पर, प्रभु जी अभी क्या करूं, 3 दिन हो गया। तो यहां से क्या रेस्पॉन्स आया, रुको जब हम बोलेंगे तभी निकल के आना है, अभी मत आओ। 15 दिन हो गया, फिर फोन किया, रुको हम बताएंगे तब आना है। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। उसके बाद 4-4.5 महीने के बाद वो वहां से निकल कर यहाँ पर आए। तो अभी कुछ दिन पहले ही आए, तो बोल रहे थे प्रभु जी क्या वृंदावन धाम है, क्या राधा रानी का कृपा है। बोले प्रभु जी जो अनुभव करने को मिलता है बोले धाम में, वो एक अलग ही अनुभव है, बताए बहुत ही एक विशेष। द वे धाम रेसिप्रोकेट्स इफ यू हैव दैट सिंसियरिटी, अगर हमारे अंदर प्रामाणिकता है, और धाम में अगर हम जाते हैं उस चेतना के साथ, हे भगवान यू रिवील टू मी, आप मुझे धाम के माध्यम से एक दर्शन दे दो, तो भगवान आपको एक अलग ही अनुभव देते। तो ऐसे कई भक्तों का अनुभव मैंने सुना है। तो इसीलिए हमारा गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी तपस्या इत्यादि हमें करना है वो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो गोल है वृंदावन, ये बहुत ही मधुर चीज है, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। जब ऐसा एक सामने कोई फल है जिसको प्राप्त करना है तो मेहनत करेंगे। तो इसीलिए कई बार अगर हमें क्या मिलने वाला है भक्ति करके, अगर उस चीज का हमको क्लियर वो नहीं है, तो हम वो कार्य करने के लिए हमारे अंदर वो तीव्रता नहीं आएगा। हाँ मानो कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसको पता नहीं है कि ये डॉक्टर क्या होता है और क्या उसका मतलब है, तो फिर आपको इतना सब पढ़ने के लिए उत्साह नहीं आएगा, तब तो उसको पता ही है डॉक्टर चीज क्या होती है। लेकिन अगर उस बच्चे को अच्छे से पता चल गया व्हाट इट मीन्स टू बी अ डॉक्टर, मैं पढ़ाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा, तो फिर वो 12, 14, 18 घंटा अच्छा लगे ना लगे उस चीज को करता है। क्यों? क्योंकि वो आगे का सोचता है।
5-10 साल के बाद मैं डॉक्टर बनूंगा तो मुझे ये मिलेगा ये मिलेगा। तो ये सब तो भौतिक चीज है, भौतिक चीज के लिए लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना सब सोचते करते हैं, तो भक्तों को वृंदावन धाम जो आध्यात्मिक चीज मिलना है उसके लिए हमको कितना हजार गुना उत्साह और तीव्रता होना चाहिए, क्योंकि भौतिक चीज के लिए लोग इतना करते हैं। तो ये हमारे आचार्य हमें दिखा रहे कि कैसे हमारा लक्ष्य है वृंदावन के प्रति पागल होना। तो सनातन गोस्वामी जो थे स्वयं वृंदावन के प्रति पागल थे पूरा, और यहाँ पर उन्होंने पूरा गुप्त वृंदावन इत्यादि वहां पर तैयार कर दिया उन्होंने, और सब तैयार करने के बाद वहां पर रोज सवेरे शाम वहां पर जाते थे, और उनका जो साधना का कार्य था, क्योंकि दिन के समय पर उनको नवाब हुसैन शाह के साथ रहना है, पॉलिटिक्स मैनेजमेंट ये वो जो भी नवाब हुसैन शाह कह रहा है वो करना पड़ेगा उनको, लेकिन जो बाकी का टाइम उनके पास से ऑफिस जाने के पहले का समय और ऑफिस से आने के बाद का समय राम के लिए चले जाते थे, जो उनका पर्सनल टाइम अनअकाउंटेबल टाइम था। और वहां पर उन्होंने सुंदर एक मदन मोहन का विग्रह उन्होंने निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद वहां पर अलग 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 वैष्णव भक्त, जब पता चल गया वैष्णव को कि भागवत का कथा यहाँ पर हो रहा है तो भक्त लोग कहाँ पर भी भाग कर जाएंगे, अरे भागवत हो रहा है भागवत हो रहा है। तो उनको पता चला हाँ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कथा कर रहे हैं यहाँ पर राम केली में वृंदावन में भागवत कथा हो रहा है, तो अलग 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 जगह से सारे वैष्णव वहां पर आ गए, और रूप सनातन गोस्वामी वहां पर बैठकर अलग अलग शास्त्र से सुंदर वो प्रवचन वहां पर करने लगे। रूप और सनातन गोस्वामी सेंटर में और साथ में सब वैष्णव, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बोलते हैं ना सूर्य सन सेंटर में और आसपास में सब ग्रह स्टार्स जैसे चमक रहे थे सनातन गोस्वामी व्यासासन पे बैठकर प्रवचन कर रहे थे। और जैसे हमने चर्चा किया उनका जो स्वभाव था, सारे वैष्णव एक चीज से बड़े आकर्षित हो गए। प्रवचन एक चीज है लेकिन बोलते हैं ना प्रचार के साथ अगर आचार भी उस व्यक्ति में दिखता है तो फिर एक अलग ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसीलिए प्रचार के साथ साथ जो हम बोल रहे हमारा आचरण भी अगर उसके हिसाब से होता है तो वो लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अगर हम चीज कुछ बोल रहे लेकिन हम स्वयं उसका अगर पालन नहीं कर रहे तो फिर उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट दूसरों के ऊपर नहीं आ सकता है। तो सनातन गोस्वामी का से लोग आकर्षित हो रहे थे क्योंकि वास्तव में उनका जो गुण था वो बहुत ही लोगों को आकर्षित कर रहा था। प्रवचन के पहले प्रवचन के बाद लोगों के पास जाकर सारे वैष्णव से आशीर्वाद मांगते थे कि मैंने जो ये कथा का सेवा किया आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगा कृपया करके आप मुझे आशीर्वाद दो कि हमें मुझे इस जीवन में शुद्ध कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो। एक ही आशीर्वाद करते थे हाथ जोड़कर, कृपया करके मुझे शुद्ध कृष्ण भक्ति की इस जीवन में प्राप्त हो और कोई इच्छा नहीं। तो ये जब वो देखते थे कि ऐसे है हमारे सनातन गोस्वामी कि एक दास के भावना में सबसे याचना कर रहे कि मुझे एक ही आशीर्वाद चाहिए शुद्ध कृष्ण भक्ति आप दे, तो सब लोग का हृदय भाव से विभोर हो जाता था कि ये प्रधानमंत्री के पद में है, दिखने में सुंदर, शास्त्र में विद्वान, पद में प्रधानमंत्री, और देखो सुबह शाम क्या कर रहे भिखारी की तरह। तो हम देखते हैं कि कैसा वास्तव में है एक वैष्णव का हृदय। तो दिन में जो उनका 8 से 4-5 का जो उनका पोजीशन है उसको बड़ा सीरियसली नहीं ले रहे, वो एज ए ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे, लेकिन वास्तव में जो उनका असली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जीव रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, उसको ज्यादा सीरियसली ले रहे। कई बार अगर चेतना सही नहीं है
तो फिर उसमें गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि तो भौतिक स्तर पर बहुत सारी उपाधियां हमें मिलेगी, हमारा ये पोजीशन है, ये है, वो है, लेकिन हम कौन सी उपाधि को हम ज्यादा सीरियस ले रहे हैं? भौतिक उपाधि भौतिक चीजों के लिए ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक इसमें आने के बाद तुरंत हम लोग एक दास का उपाधि को स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना, जैसे हम मंदिर आते हैं, मंदिर आने के पहले हम चप्पल को निकाल कर आ रहे हैं, उसका क्या एक सिग्निफिकेंस बताते हैं, बोलते हैं कि चप्पल स्टैंड में जब मंदिर आते हैं या सत्संग में आते हैं तो उसी जगह पर जो हमारा भौतिक जो उपाधि है, बाहर के दुनिया में मैं जनरल मैनेजर हूं, बाहर के दुनिया में मैं सीईओ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो भी हमारा उपाधि है, लेकिन जैसे हम वैष्णव समुदाय में आते हैं हम सब भिखारी है। भौतिक दृष्टिकोण से हम करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सब भिखारी है। और वैष्णव सत्संग में हम आते हैं भीख मांगने के लिए, क्या कि मुझे जो है कृष्ण भक्ति दे दो, कृष्ण भक्ति दे दो। कई बार विश्वरूप प्रभु बताते थे, मुझे याद है कि जब हम वृंदावन में मैं गया था तो विश्वरूप प्रभु बता रहे थे, आई कैम्प में कई साल पहले गया था, 2002-3-4 में, आई कैम्प के समय पर फ्री आई कैम्प हम लोग कर रहे इस्कॉन भक्ति हॉस्पिटल, तो ये सब गरीब ब्रजवासी आते हैं वहां पर हमारा आई कैंप में वो करने के लिए, बहुत ही भौतिक दृष्टिकोण से बहुत गरीब है, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन विश्वरूप प्रभु बता रहे थे कि हम उनकी सेवा करने के लिए वहां पर जा रहे, भौतिक दृष्टिकोण से हमको उनको देखकर लगेगा कि हम बंबई से आए हैं वेल टू डू फैमिली से और इनको हम मदद करने जा रहे, ये एक चेतना हो सकता है। तो इसीलिए क्लास विश्वरूप प्रभु पहले देते या महाराज भी देते, चेतना तैयार करते हैं श्रवण के माध्यम से, क्या कि ये जो लोग है इन लोग भौतिक दृष्टिकोण से गरीब हो सकते हमें ऐसे लगेगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इनके पास भर भर के जो भक्ति का जो संपत्ति है, स्पिरिचुअल वेल्थ अनलिमिटेड प्रपोर्शन में इनके पास है। तो इनकी जब हम सेवा करेंगे कैटरेक्ट ऑपरेशन आई कैम के माध्यम से, और उससे जो सेवा करने से जो इनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, तो उससे हम जो भक्ति का जो हमारा अकाउंट है वो तो पूरा सूखा सूखा अकाउंट है, तो ये लोग जब कृपा देंगे तो उसमें कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो बोले हमारा मटेरियल हमारे पास जो भी है, लेकिन अगर भक्ति हमारे पास नहीं है तो अंत में तो सब कुछ वेस्ट है, कुछ फायदा नहीं है ये सब करके। तो इसीलिए ब्रजवासियों का सही चेतना में हमको सेवा करना चाहिए, कि वो लोग बोलेंगे कि धन्यवाद आप लोग आकर हमें ये कर रहे ये कर रहे, लेकिन हमको लगना चाहिए दैट दे हैव गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व, क्योंकि हम उनको कुछ दे नहीं रहे हैं, हम उनसे लेने के लिए आए हैं, तो हम उनको फ्री ऑपरेशन नहीं दे रहे, उनसे हम ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमको एक अपॉर्चुनिटी मिला है ताकि हम उनकी सेवा करें और उनसे भक्ति का कृपा मांगे, तो हम एक भिखारी के भाव में यहाँ पर आए। तो ये इतना अच्छा एक चेतना है, सुन के बहुत अच्छा लगता है कि इतना सब हम पैसा खर्चा करके भक्तिवंत हॉस्पिटल से जा रहे हैं, लेकिन भावना क्या होना चाहिए, हम भिखारी है, हम उनसे भक्ति का भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। तो ये चेतना में जब हम ब्रजवासियों की सेवा करते हैं और वो वाइब्रेशन उनको ही पता चलता है कि इन लोग हमारे ये सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या चेतना है, इतना अच्छा है। तो इसीलिए कई बार इतने सारे लोग आई कैम करते हैं लेकिन उन लोग हमेशा इस्कॉन के लिए रुकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्शियसनेस जो महाराज ने तैयार किया है विश्वरूप प्रभु और अन्य भक्त, ये चेतना में हम सेवा कर रहे हैं तो उससे उन लोग को बहुत अच्छा लगता है और हृदय पूर्वक उन लोग आशीर्वाद देते कि आपको राधा रानी और कन्हैया जी भर भर के आपको संतुष्टि और आपकी इच्छा की पूर्ति करे, बस
ऐसे भक्तों का आशीर्वाद मिल गया तो और क्या चाहिए। तो ये बहुत ही विशेष है, सनातन गोस्वामी सब भक्तों से आशीर्वाद मांगते 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 वो रोज का रोज वहां पर कथा करते थे। तो ये कई समय तक ये चलता हो गया रामकेली में नवाब हुसैन शाह के वहां पर कार्य, और फिर अंत में सुबह शाम ये कथा रामकेली में। लेकिन कुछ समय के बाद एक दिन चैतन्य महाप्रभु सपने में आए सनातन गोस्वामी के, और उनको कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने आकर मुझे कहा है कि मुझे फुल टाइम अभी उनके मिशन में ज्वाइन करना है। ऐसे करके मुझे सपने में आकर संदेश दिया। तो कैसे करें? तो ऐसे सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को कहा, और फिर रूप सनातन गोस्वामी, उस समय पर तो ईमेल इत्यादि नहीं था, लेटर लिखते थे और ब्राह्मणों के माध्यम से पहुंचाते थे। तो उन्होंने लेटर लिखा चैतन्य महाप्रभु को कि चैतन्य महाप्रभु हम जो है आना चाहते हैं बस, अभी वृंदावन अभी बहुत हो गया, हमने कई समय यहाँ पर बिता दिया, हम अभी फुल टाइम आपके मिशन में हम भाग लेना चाहते हैं, कृपया करके आप मार्गदर्शन दीजिए कैसे हम क्या करें, हम रुके हैं। तो महाप्रभु से कोई खत नहीं आया, इन्होंने कई बार खत लिखा महाप्रभु को लेकिन कुछ रिप्लाई वहां से कुछ आया नहीं। तो उस समय पर उन लोग एक दिन चैतन्य महाप्रभु का संदेश वहां पर आया, और चैतन्य महाप्रभु ने लिखा कि जिस तरीके से अगर कोई स्त्री है अपने पुरुष के सिवाय, अगर उसका अन्य कोई दूसरा पुरुष के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर होता है, तो वो घर का जो कार्य है बड़े अच्छे से करेगी, मेटिक्यूलसली करेगी, जिससे घर के व्यक्ति को कभी किसको शक नहीं होना चाहिए कि इसका कहीं बाहर किसके साथ कुछ अविवाहित संबंध चल रहा है। तो उसी प्रकार से ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने लेटर लिख दिया, एक ऐसा बोलते ना एक क्रिप्टिक लैंग्वेज में। तो फिर उनको पता चला कि जो महाप्रभु चाहते हैं कि अभी एक्सटर्नली हम लोग बाह्य दृष्टिकोण से नवाब हुसैन शाह का नौकरी करते रहे, लेकिन अंदर से कृष्ण के बारे में याद जो है उसको बढ़ाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, अगर हम देखेंगे तो दो तीन जगह पर ये पढ़ने में आता है, जहां पर जो भक्त होते हैं वो सब कुछ छोड़कर बाह्य दृष्टिकोण से भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं कि अभी हमें ये नहीं करना है, ये छोड़ना है। खासकर कोई अगर गृहस्थ आश्रम में है उसके दृष्टिकोण से ज्यादा ये लागू होता है। तो जब कोई ऐसा महाप्रभु को बोलते हैं कि हमें सब छोड़ना है, तो इन प्रिंसिपल हम देखते हैं कि महाप्रभु बताते हैं कि बाहर से जो कार्य है आप करते रहो, जो ऐसा परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन अंदर से जो इंटरनली रिनंसिएशन या जो वैराग्य है उसको आप अंदर से अपने हृदय में उसको आप ये करते रहो। ये बहुत जरूरी है कि भले ही हमारे जीवन में परिस्थिति अनुकूल ना होने की वजह से हम जैसा चाहे वैसा भक्ति नहीं कर सकते। कई बार भक्त तो बोलते हैं प्रभु जी हम लोग इसमें फंस गए, घर गृहस्थी में फंस गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपको अच्छा है आपको पूरा करने मिल रहा है, ऐसा कई बार ऐसे आता है। लेकिन भक्ति जो है कभी भी वो रुक नहीं सकता है कोई अनुकूल परिस्थिति की वजह से या नहीं होने की वजह से। क्यों? क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान जो है एक ही चीज देखते हैं कि हमारा भाव क्या है, व्हाट इज अवर एटीट्यूड, व्हाट इज अवर कॉन्शियसनेस। तो ये भक्ति पूरा एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये पूरा इंटरनल है। इंटरनल मतलब आंतरिक, हमारी चेतना क्या है, व्हाट इज अवर एटीट्यूड, व्हाट इज अवर कॉन्शियसनेस। अगर बाहर से हम सब जो हमारी जवाबदारी है उसको निभा रहे, लेकिन अंदर से जो हमारा चेतना है वो हमेशा यही है कि प्रभु मैं आपके लिए मैं कर रहा हूं ये सब, जो भी मैं कर रहा हूं, मानस देहो गेहो जो किचु मोर आर पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो
जो मेरा घर है, जो मेरी नौकरी है, जो मेरे बच्चे, सब कुछ जो मैं कर रहा हूं, ये सब कुछ आपका ही है भगवान। तो बोलते ना पोजेसिंग समथिंग, वी मे पोजेस समथिंग, लेकिन वो मेंटेलिटी नहीं है, पोजेसिव मेंटेलिटी नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं श्रीमद भागवत में इतने सारे राजाओं का वर्णन आता है। राजा मतलब किंगडम, राजा मतलब पैलेस, राजा मतलब प्रॉपर्टी, मिनिस्टर, सिटीजन्स, राजा मतलब सब कुछ होता है। लेकिन ये केवल राजा नहीं है, इनको भागवत बोलता है राज ऋषि। राजा भी है और ऋषि भी है, तो ये दोनों रोल इन लोग निभा रहे साथ में। राजा बनना है तभी राजा बन रहे, मैनेजमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, कार्य को संभालना है। मैनेजमेंट मतलब रजोगुण सब करना पड़ेगा, दंड करना, ये करना, तो रोज का उनका जो जवाबदारी है उसको निभा रहे। लेकिन राज ऋषि, लेकिन ऋषि का भी जो उनका है उसको भी निभा रहे, जो उनका साधना है, जो भी प्रचार कार्य में जो सेवा करना है इत्यादि। तो ये करते 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 भी साक्षात्कार आने लगता है। तो इसीलिए कभी ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कर पा रहे, ये परिस्थिति ऐसा है इसलिए हम कृष्ण के साथ कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, केवल एक ही चीज है, इच्छा। अगर इच्छा है व्यक्ति को तो वो भक्ति में उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी परिस्थिति में जैसा भी हो। क्योंकि भक्ति में अंदर हृदय में हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ भगवान अंदर से ही देखते हैं, ऐसा भगवान ने सनातन गोस्वामी को कहा। ये उदाहरण देकर कि अंदर से प्रेमिका के बारे में सोचो, बाहर से नॉर्मल सेवा की तरह घर का कार्य करो, जिससे घर वालों को डाउट नहीं आएगा कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके किसके साथ है, वो अंदर आप उसके बारे में याद करते हो। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को भौतिक जगत में है, अलग अलग परिस्थितियों में अभक्तों के साथ ये वो अलग अलग इंटरेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन अंदर से हमेशा उसको लगना चाहिए मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कृष्ण। आज मुझे लेक्चर के लिए यहाँ पर जाना था लेकिन ऑफिस में काम आ गया, नहीं जा पाया। तो अगर तीव्रता है अंदर, नहीं भी जा पाए तो भी भगवान देखते, इसकी इच्छा है आ नहीं पाया, तो हमको वही बेनिफिट मिलेगा। अगर जाकर जो बेनिफिट मिलता है वो मिलेगा, जैसे ब्राह्मण पत्नी का उदाहरण में, वो कृष्ण के पास जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए, लेकिन कृष्ण ने उस भावना को स्वीकार किया। तो इसी प्रकार से कई बार शास्त्र के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो हृदय में अगर वो भावना है हमारा कुछ चीज करने का, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे, कृष्ण ने उसको नोट कर लिया और उसका पूरा बेनिफिट दे दिया। तो इसीलिए भक्ति जब इंटरनल प्रोसेस है, बहुत डायनामिक है, इसलिए हम बाहर से कभी भी किसी को हम जज नहीं कर सकते कि ये भक्त है ये भक्त नहीं है। नहीं, किसका कितना भगवान के साथ अंदर प्रेम का संबंध और भक्ति बढ़ रहा है केवल उस व्यक्ति को पता है और कृष्ण को पता है, बाहर से किसी को पता नहीं चलेगा। बाहर से लगेगा अरे तो साधारण व्यक्ति है, घर में है, बच्चों के साथ है, पूरा संसार में डूबा हुआ है, ये क्या भक्त है, लगता ही नहीं है। नहीं, जब प्रेम की बात आती है केवल दो लोग को ही पता है किसका किससे प्रेम है। इसलिए हम कभी भी बाहरी दृष्टिकोण से हम किसी को जज नहीं कर सकते या स्टैम्प नहीं मार सकते कि चलो ये मंदिर में है तो ये भक्त है, ये बाहर है तो भक्त है। नहीं, ये सब कुछ बाहर से कुछ भी नहीं हो सकता है। बाह्य रूप से कपड़े से कभी भी कोई ये गारंटी नहीं है कि किसको कृष्ण के प्रति कितना ये हो सकता है। इसलिए अम्बरीश महाराज है, दुर्वास मुनि है, अम्बरीश महाराज महल में रहते थे, वो भगवान के ज्यादा भक्त में क्लोज थे। दुर्वास मुनि एक दृष्टिकोण से वैरागी थे, योगी थे वो, लेकिन उसमें पता चला कि सुदर्शन चक्र जब आया तब अम्बरीश महाराज का गुणगान बढ़ गया, जो एक गृहस्थ में थे, और सुदर्शन दुर्वास मुनि के पीछे भागा। तो इसीलिए ये सब जब भक्ति की बात आती है तभी बाहर का कुछ भी चीज काम नहीं करता है। कोई गृहस्थ होकर भी परमहंस हो सकते हैं,
वैरागी होने पर भी उसके नीचे हो सकता है, कोई वैरागी भी ऊपर हो सकते हैं। तो कोई भी कैसा भी परिस्थिति में भक्ति कर सकता है। तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने ये उत्तर दिया। और फिर कुछ समय के बाद जब चैतन्य महाप्रभु राम केली जो वृंदावन जाने के लिए निकले, तभी धीरे से वो राम केली की ओर जाते हैं। और रात के समय पर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों आकर चैतन्य महाप्रभु के पैर में गिरते हैं और बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, हम सबसे बड़े पापी है। क्यों? क्योंकि हम जो है ये नवाब हुसैन शाह का संग कर रहे, इसलिए जगाई मदाई से भी अधिक अगर कोई पापी व्यक्ति है संसार में तो वो हम है। जगाई मदाई जो थे वो सब पाप किए, लेकिन कभी उन्होंने पापी लोगों का संग नहीं किया, लेकिन हमने नवाब हुसैन शाह का संग किया, कृपया करके हमको आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा करके अलग अलग प्रार्थनाओं के माध्यम से वो चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे, उनके पैर पर गिर कर रो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को इनका नम्रता, तो बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि एक वैष्णव को नम्र कैसे होना चाहिए। अगर वो चीज सीखना है तो सनातन गोस्वामी उसके आचार्य, कि हमेशा वो नम्रता का भावना उनके अंत में था। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उस समय पर जो संतोष, जो सनातन गोस्वामी जो नाम था वहां पर उनको दिया, क्योंकि नवाब हुसैन शाह ने तो सकार मलिक करके नाम दिया था और रूप गोस्वामी को दबीर खास करके नाम दिया था, लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको अभी सनातन गोस्वामी जो नाम था वो उनको दिया। और चैतन्य गोस्वामी महाप्रभु ने कहा कि बहुत जल्द जो है आप वृंदावन आ जाओ, मैं अभी आपको परमिशन देता हूँ। तो अभी अप्रूवल फाइनली दे दिया कि आपने इतना लेटर मुझे लिखा था, लेकिन मैं सही समय के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, सही समय पर, सही समय आने पर आपको मैं संदेश देना चाहता हूँ, वेट फॉर द राइट टाइम, और अभी सही समय आ गया है। तो वो लोग जाना चाहते थे वृंदावन बहुत पहले से, लेकिन जैसा बोलते हैं ना, जीवन में कुछ कुछ चीज के लिए यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम जब आता है तभी कुछ कुछ चीज अपने आप से हो जाता है, समय से पहले नहीं होता। तो कई बार इन लोग पत्र लिख रहे थे लेकिन हुआ नहीं, आप उन्हें बोला अभी राइट टाइम है, अभी आप चले जाओ वृंदावन, और तुरंत सनातन रूप गोस्वामी जो थे वो रेजिग्नेशन डाल दिए और उनको 7 बोट भर के उस समय पर सोने का सिक्का बोलते ना, जो रिटायरमेंट का पीएफ ग्रेटिविटी जो भी आप बोलो, 7 बोट भर के सोने का सिक्का, ये उनका उतना उनको मिला था पैसा। तो उन्होंने उसमें से 50% दान में दे दिया, 50% प्रचार इत्यादि कार्य के लिए, बाकी 50% में उन्होंने 25% इमरजेंसी के लिए निकाला और 25% अपने परिवार को दिया। ऐसा करके 100% को उन्होंने बांटा उस लक्ष्मी को। और फिर सनातन गोस्वामी अभी निकलना चाहते थे लेकिन उनको निकलने के लिए मिला नहीं, वो रह गए वहां पर, रेजिग्नेशन नॉट एक्सेप्टेड। तो नवाब हुसैन शाह ने रूप गोस्वामी को रेजिग्नेशन स्वीकार किया, सनातन गोस्वामी भी नहीं मैं नहीं दूंगा। तो सनातन गोस्वामी ने अभी लीव एप्लीकेशन, रेजिग्नेशन लेटर स्वीकार नहीं किया तो लीव एप्लीकेशन। जैसे ऑफिस में अलग अलग हम लोग छुट्टी अप्लाई करते हैं, EL, EL, OL, ऐसे मैंने भी अप्लाई किया। और घर में बैठ कर सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हैं, सारे भक्तों के साथ सिक लीव करके उन्होंने डाल दिया कि मैं बीमार हूं आ नहीं सकता हूं, और घर में बैठकर भागवत कथा वहां पर भक्तों के साथ कर रहे बैठकर। और एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 8 दिन, 10 दिन हो गया, नवाब हुसैन शाह सोच रहे क्या हो गया ये सनातन को, इतना समय हो गया अभी तक ये सिक लीव डाल के बैठा है। तो अपने मंत्री को भेजा जाके देखो आप क्या हो गया, और मंत्री गए जाकर देखा तो अरे यहाँ पर तो पूरा एक दमासाल प्रवचन चल रहा है और कथा कीर्तन
कौन बीमार है इधर? कोई बीमार नहीं है, फिट एंड फाइन सनातन गोस्वामी प्रवचन कर रहे। तो तुरंत उन्होंने जाकर न्यूज दिया, ये झूठ बोल रहा है। भक्त लोग भी कई बार यात्रा में जाने के लिए, जो ऑलरेडी दादाजी मर गए थे उनको वापिस से मार देते हैं, या दादी मर गई, या इसको हार्ट अटैक आया, अलग अलग थोड़ा झूठ बोलते हैं। तो बताते हैं कि महाराज एक क्लास में, ये परंपरा में है, अगर ऐसा झूठ बोलना है तो। सनातन गोस्वामी ने भी झूठ बोला और बैठकर कथा कर रहे थे, यात्रा में झूठ बोलते तो चलेगा, इट्स बोनाफाइड, परंपरा में है हमारा। तो फिर ना उसे को पता चला तो उन्होंने दंड कर दिया, उनको बोला कि आपको मैं जेल में डाल दूंगा, और तुरंत पकड़ के उन्होंने सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया। और फिर रूप गोस्वामी को जब वो पैसा मिला था, तो रूप गोस्वामी को एक्सपेक्टेड था कि आगे चल के ऐसा कुछ एक इमरजेंसी आ सकता है, तो इसलिए उस समय पर रूप गोस्वामी ने एक 10,000 सोने का सिक्का एक व्यक्ति को देकर रखा था कि अगर सनातन गोस्वामी को कुछ जरूरत पड़ेगा इन केस ऑफ इमरजेंसी तो यूज कर सकता है। तो फिर उस व्यक्ति ने आकर जेल में सनातन गोस्वामी को लक्ष्मी दिया और बोला कि आप इसको यूज करो। तो एक दिन सनातन गोस्वामी ने आकर वो जो जेल का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनको बोला कि देखो मुझे ना मक्का जाने का बहुत इच्छा है, तीर्थ स्थल जाना चाहता हूँ, तो कृपया करके आप मुझे यहाँ से निकालेंगे क्या? ऐसा बोलकर उसके हाथ में 7,000 सोने का कॉइन दे दिया। तो वो व्यक्ति एकदम शॉक हो गया, 7,000 सोने का कॉइन, और बोल रहा है कि मुझे केवल गेट खोल के दो, और उसको जाना भी है मक्का, तीर्थ स्थान जाना है, क्योंकि सब मुस्लिम लोग थे वहां पर, तो मक्का मतलब अरे व्यक्ति को मक्का जाना है, इतना अच्छा बात बोल रहा है। लेकिन वो डरने लगा ना, उसे शायद को पता चलेगा कि मैंने ऐसा गड़बड़ किया तो क्या होगा। सनातन गोस्वामी बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, आप टेंशन मत लो, आप बोलो कि मैं शौच करने के लिए बाहर आप मुझे लेकर गए थे बाथरूम के लिए, और मैंने उड़ी मार दिया नदी में और मैं मर गया, ऐसा करके आप बोल दो, डरो मत। और 3,000, तो पूरा 10,000 गोल्ड कॉइन उसको दे देते, और वो सुन के देख कर ही एकदम आनंदित हो जाता है और वो रिहा करता है। और सनातन गोस्वामी वहां से निकल कर सीधा वाराणसी जाते हैं। वाराणसी में जाकर वहां पर चैतन्य महाप्रभु अपने एक भक्त चंद्रशेखर आचार्य वहां पर रहते हैं, उनके घर में वहां पर रुकते हैं, और फिर कई समय तक वहां पर बनारस में वहां पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सनातन शिक्षा करके एक महीना तक सनातन गोस्वामी को ज्ञान देते हैं, अलग 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 प्रश्न उत्तर, काफी हमारे सिद्धांत के बारे में, तत्व ज्ञान के बारे में उनको बताते हैं सनातन गोस्वामी को, और वो सब लिखते हैं। और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि आप जगन्नाथ पुरी में जाओ, मैं आपको पुरी में मिलूंगा, और फिर उसके बाद वहां से फिर आप वृंदावन चले जाओ। फिर सनातन गोस्वामी वाराणसी से फिर जगन्नाथ पुरी जाते हैं, और पुरी में जाने के बाद फिर वहां से वो बहुत सारी लीलाएं हैं पुरी में भी, महाराज का 5-6 घंटे का कथा है, 1-1.5 घंटे में हम लोग क्या बोल सकते हैं। फिर पुरी में भी बहुत सारा सनातन गोस्वामी और रामाचार्य हरिदास ठाकुर, उनका बहुत प्रेम का संबंध, और कैसे वैष्णव के बीच में प्रेम का आदान प्रदान था, वो हम जगन्नाथ पुरी में एक चीज हम देखते हैं, हमारा गौड़ीय वैष्णव का जो सदाचार है, लविंग डीलिंग्स अमॉन्ग्स द वैष्णव कम्युनिटी, भक्तों के संग में प्रेममय आदान प्रदान के बारे में अगर हमें सीखना है, तो ये चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ पुरी में होते हैं 18 साल तक, तो उस समय पर भक्तों का और चैतन्य महाप्रभु का और सबके साथ एक वैष्णव समुदाय कैसे साथ में रहकर प्रेम से भक्ति कर सकता है, इस चीज के बारे में जो शिक्षाएं है हमको चैतन्य चरितामृत में हमें सीखने को मिलता है। तो कई बार परम पूज्य राधानाथ महाराज भी चौपाटी में याद है पहले संडे फीस्ट और भागवतम देते थे, तो हमारा चौपाटी कांग्रीगेशन है, कांग्रीगेशन में कैसे भक्त प्रेम से रह सकते, तो उसका जो प्रिंसिपल्स है
डूज एंड डोंट्स, वो पूरा चैतन्य चरितामृत से महाराज लेकर कथा सीसी, कथा के ऊपर कथा के ऊपर कथा बताकर भक्तों को ज्ञान भी मिलता था और हृदय पूरा आनंद में डुबाते थे कि कैसे एक ये है ऐसे करके। और सब होने के बाद फिर पुरी में कई सारी लीलाएं हुई, फिर सनातन गोस्वामी आखिरी में वो वृंदावन में आते हैं, बहुत सुंदर वृंदावन में लीला है। तो एक लीला हम सिर्फ चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो एक बार सनातन गोस्वामी जो थे वो वृंदावन में रहते हैं, तो एक ब्राह्मण होता है वहां पर जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो वो ब्राह्मण शिव जी की पूजा करते हैं और वो शिव जी से बोलते हैं मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो शिव जी ने बोला अगर आपको पैसा चाहिए तो ये कहानी कहीं बद्री विशाल केदारनाथ वहां पर होती है। तो शिव जी ने केदारनाथ में उसको दर्शन दिया और कहा तुम्हें पैसा चाहिए, जाओ वृंदावन, वृंदावन में जाओ, वहां पर मेरा एक भक्त है, एक भगवान कृष्ण का। शिव जी ने ये नहीं बोला मेरा भक्त है, बोला भगवान कृष्ण का एक विशेष भक्त है, उनका नाम है सनातन गोस्वामी, उनके पास जाओ और एक पारस मणि उनके पास है, उनको कहो कि शिव जी ने मुझे आपके पास भेजा, बस वो समझ जाएंगे। तो भक्त खुश हो गया बद्रीनाथ से, केदारनाथ से, बम बम बोले आशुतोष भगवान शिव जी जो सारी भौतिक इच्छा को पूरा करते हैं। खुश होके सीधा वहां से दिल्ली फ्लाइट पकड़ कर आकर दिल्ली से डायरेक्ट वृंदावन कुछ घंटों के बाद पहुंच गए और पता चला सनातन गोस्वामी इधर है, और तुरंत सनातन गोस्वामी के पैर में जाकर दंडवत मारा और कहा कि ये सनातन गोस्वामी मैं केदारनाथ से आया हूँ, शिव जी ने आपका रेफरेंस दिया, तो उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ है जो मैं चाहिए मुझे साहब। अच्छा शिव जी ने भेजा है, अच्छा अच्छा वो पारस मणि क्या? बोले हाँ हाँ वो पारस मणि जिसको छूने से लोखंड भी सोना बन जाए, हाँ हाँ है ना वो, देखो जाके उधर पड़ा है कचरे का डब्बा दिख रहा है आपको? बोले हाँ हाँ उसके अंदर ही आप ढूंढो मिलेगा। तो गए, वो शॉक हो गए, अरे यार कचरे का डब्बे में ढूंढो बोल रहे हैं, असली में बोल रहे कि मजाक कर रहे, लेकिन मेरे को मजाक तो दिख नहीं रहा है, सच में ये कचरा का डब्बा है और उसमें से एक 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 सब कचरा निकाला 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 और कहीं तो नीचे उधर पारस में नहीं पड़ा था। उनको हार्ट अटैक आ गया पूरा, तो क्या चल रहा है ये, ऐसे कैसे कोई व्यक्ति हो सकता है। और फिर उसको लिया और पास में सब लोखंड पड़ा था, उसको टच किया, देखा तो सोना, इसको टच किया सोना, बोले बाप रे ये क्या पावरफुल मनी है, इसको भी टच करो सोना। तो फिर वो आनंदित हो जाते, वाह 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 शिव जी ने इच्छा को पूरा कर दिया मेरा, चलो अभी मैं आनंदित होऊंगा मेरे जीवन में, अभी मैं दुनिया का सबसे बड़ा कौन बनेगा करोड़पति में जाने का जरूरत नहीं है मुझे, अभी मैं करोड़पति तो ऐसे ही एक मिनट में करोड़पति बन सकता हूँ, केवल लोगों को टच करना है तो पारस मुनि से और क्या चाहिए। वाह शिव जी क्या महान है, ऐसे सोच के वो सनातन गोस्वामी को नमस्कार करके निकल गए। लेकिन चलते चलते ये सोचने लगा व्यक्ति, अरे ये जो बाबा जी है सनातन गोस्वामी, इतना महंगा चीज को इसने कचरे डब्बे में डाला है, तो मतलब उनके पास इससे भी महत्वपूर्ण कोई चीज हो सकती है, नहीं तो ऐसा कौन करेगा। चलो जाके फिर से पूछता हूँ, फिर से आधे रास्ते में जाके रिटर्न आ गए, बोले बाबा जी, बोले हाँ, बोले और क्या चाहिए तुमको, तो दे दिया ना। बोले वो ठीक है, लेकिन एक प्रश्न था। बोले क्या प्रश्न है? बोले कि ये आपने ना कचरा का डब्बे में ये चीज को डाल के रखा है, इसके लिए तो पूरा दुनिया पागल है भौतिक पैसे के लिए, लेकिन आपने के पास मतलब इससे कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है क्या जिससे ये आप ये चीज को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे? तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ मेरे पास है वो। तो इसने बोला आप मुझे वो देंगे क्या टॉप मोस्ट? सनातन गोस्वामी ने कहा दूंगा, लेकिन आपको ये चीज जो है पारस मणि को आपको यमुना में डालना पड़ेगा तो ही मैं आपको दूंगा। बोले अरे क्या बोल रहे हो, इसे कैसे हो सकता है? तो बोले नहीं 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 फिर मैं नहीं दे सकता। थोड़ा हिचकिचाए, सोचे,
सोच रहे थे क्या करूं, मन में शक भी है लेकिन ये साधु बोल रहे हैं उन पे विश्वास भी है। डाउट एंड फेथ, डाउट एंड फेथ कई बार भक्तों के जीवन में भी ये चलते रहते हैं। कभी श्रद्धा पूर्वक हम भक्ति करते हैं लेकिन बीच में कभी डाउट आते हैं, शंका, तो ये हमेशा डाउट एंड फेथ, डाउट एंड फेथ। तो ये भी सोच रहा था, अरे ये ऐसा भी है लेकिन क्या करूं, इतना तपस्या किया इतना सालों के बाद और अभी इसको पानी में डाल दिया। पता चला साधु ने जो दिया उसमें भी आनंद नहीं है, ना घर का ना घाट का, सब चला गया, करूँ तो क्या करूँ। तो फिर भी श्रद्धा रख के उसने जाके पारस मुनि को यमुना में फेंक दिया। और फिर सनातन गोस्वामी का साहब बोले, मैंने उसको त्याग दिया, आप मुझे दे दो, ऐसा कौन सा चीज है आपके पास जो पारस मणि का भी आपका कुछ वैल्यू नहीं है आपके लिए। तो सनातन गोस्वामी कहा कि मैं आपको जो है हरिनाम चिंतामणि, जो सारे पारस मणि से सर्वोत्तम है, जो संसार में सबसे बड़ा धन है, वो कृष्ण प्रेम का जो धन है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। और उसका जो रास्ता है वो है हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। ये भौतिक जगत का जो पारस मणि है वो केवल जब तक ये शरीर आपके साथ है तब तक आपको लगेगा कि आपको कुछ उससे आनंद मिल रहा है, उसमें भी आपको आनंद नहीं मिलेगा लेकिन आपको लगेगा, यू कैन इमेजिन कि ये भौतिक धन संपत्ति इत्यादि सोना जितना हमारे पास है उतना आनंद मिलेगा, ये वास्तव में सच नहीं है। तो इसीलिए वास्तव में आपको अगर आनंद चाहिए तो आत्मा के स्तर पर जो ये हरि नाम है आपको वो ही सबसे अधिक आनंद, शुद्धिकरण, संतुष्टि, सब कुछ आपको ये दे सकता है। तो इसलिए भौतिक जगत में केवल दो ही सच्चाई है, सत्यम, वो है कि जीव कृष्ण का अंश है वो एक सच्चाई, और दूसरा हरि नाम ही सार है, ये दूसरा सच्चाई। ये दो को छोड़ने के बाद बाकी ये जो भी संसार में सब है ये पूरा माया है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर नामैव केवलम्। हमारे आचार्य लिखते हैं आस्तंभ स्तंभ पर्यंतम, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्म लोक से लेकर नीचे तक सर्वं मायामयं जगत्, सब कुछ भगवान की माया शक्ति से बना है। ऐसा लगेगा इसमें आनंद है, करने जाओ तो आनंद नहीं है, केवल एडवर्टाइजमेंट। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, केवल एक ही चीज सत्य है, एक ही चीज सत्य है, एक ही चीज सत्य है, वो है हरे नामैव केवलम, वो है हरे कृष्ण नाम। तो ऐसे सनातन गोस्वामी ने उनको ये शिक्षा दिया कि किस तरह कि अगर कोई व्यक्ति का हरिनाम के साथ अगर संबंध जुड़ जाता है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान साक्षात नाम के रूप में इस संसार में आए हैं, तो अगर हम हमारा जो पूरा इमोशंस है, जैसे हमने चर्चा किया था कि जो हमारी भावनाएं हैं, वो उस व्यक्ति सीईओ के एग्जाम्पल में हमने चर्चा किया कि ज्यादातर व्यक्ति जो है हमारा पूरा जो अपनी भावना है जीवन का उसको पूरा भौतिक उपाधि में इन्वेस्ट करता है। वी पुट अवर फुल इमोशंस इन मटेरियल आइडेंटिटी, अपना हृदय का जो थिंकिंग फीलिंग और विलिंग है उसको हम लोग भौतिक उपाधि में डालते हैं। लेकिन अगर हरिनाम के साथ हमें आदान प्रदान चाहिए तो हमें हमारा थिंकिंग फीलिंग और विलिंग, जो हमारा भावना है इमोशनल फीलिंग, उसको नाम जप के समय पे पूरा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब हम पूरा इन्वेस्ट करेंगे हरि नाम में जप के समय पर, तब कृष्ण हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो नाम जप के समय पर हमको वास्तव में कृष्ण का अनुभव होगा। कब अनुभव होगा? जब हम लोग हम इन्वेस्ट करेंगे, जैसा कृष्ण बोलते हैं ना
ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतेव भजामि। आप जितना मेरे पास आने का प्रयास करेंगे उतना मैं आपको दर्शन दूंगा। तो वास्तव में ये हम अनुभव कर सकते, जितना हम जप के समय पर हमारा पूरा हृदय की जो भावना है, जो भावना से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताता है, जो भावना के साथ एक माँ अपने बच्चे का ध्यान देती है, तो वही जो भावना है, जो प्रेम की भावना, उसको हमारे जप के समय पर, उसको हमारे श्रवण के समय पर, हर एक जो भक्ति से संबंधित जो हमारा कार्य है, अगर उसमें हम लोग अपना फीलिंग्स को डालेंगे, तो फिर कृष्ण हमारे साथ उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, क्योंकि कृष्ण इज अ पर्सन। लेकिन जब अगर हम ध्यान उसमें नहीं डालेंगे, हमारा इमोशंस को वहां पर नहीं डालेंगे, तो फिर हमको वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए वास्तविक जो है, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है एक साइंस है। साइंस मतलब विज्ञान। सही तरीके से करेंगे तो उसका सही अनुभव हम लोग कर सकते हैं। तो हर क्षण हम कृष्ण का साक्षात्कार हम कर सकते हैं, अगर हमने सही तरीके से अपनी भावनाओं को अलग अलग जो भक्ति से संबंधित कार्य में डाला, तो कृष्ण भी हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे और हमें उसका वास्तविक, जैसा गीता में भगवान बोलते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्यय। भगवान बोलते ये जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, ये राजविद्या है, इट्स अ किंग ऑफ ऑल नॉलेज। राजगुह्यम मतलब ये कॉन्फिडेंशियल है, गुह्यतर, एकदम गुह्यतम ज्ञान है, पवित्रम बहुत ही शुद्ध है, इदम उत्तमम टॉप मोस्ट, प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्षावगमन मतलब ये जो चीज है ये अनुभव कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति उसको अनुभव कर सकता है अगर सही तरीके से उसने उसको प्रैक्टिस किया। सुसुखम कर्तुम अव्यय, और आनंद देने वाला है। तो इसीलिए भक्ति का जो साधना जो हमें मिला है, तो उसमें हमको हमारी भावनाओं को इन्वेस्ट करना है। वी शुड ट्राई टू इन्वेस्ट अवर हार्ट into the practices of Krishna consciousness, जो हमारा thinking, feeling, willing, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूँ, तो जितना हम भावना को भगवान में डालेंगे, तो फिर उतार चढ़ाव जो भी जीवन में आएगा, जैसे उस CEO का example में, उसने अपनी भावनाएं अपना उपाधि में डाला और वहां से उसको निकाल दिया, तो वो पूरा डिप्रेशन में चला गया। तो इसीलिए हमें बुद्धिमानी से समझना है कि कहां पर भावनाएं डालने से कभी उसमें धोखा नहीं मिलेगा, और कहां पर हमारी भावनाएं इन्वेस्ट करने से हमें धोखा मिलेगा। ये समझने वाली बात है। तो जितना हमारी भावनाएं हम कृष्ण से संबंधित चीजों में डालेंगे, हरिनाम में, भागवत में, वैष्णव सेवा में, अर्च विग्रह का सेवा पूजा करते समय पर, भगवान के लिए भोग बनाते समय, जितना हमारी भावनाएं हम आध्यात्मिक चीजों में डालेंगे, वो कभी भी नश्वर नहीं होगा। इट इज ऑलवेज इनफैलेबल, हमेशा रहेगा, इटर्नल चीज है वो। जितना हम, तो फिर टेम्पररी चीज में हम करते रहेंगे इधर उधर, ठीक है, यहाँ वहां पर हो गया, तो भी हमको लगेगा ठीक है मेरा ये इन्वेस्टमेंट तो सिक्योर्ड है, मेरी भावनाएं मैंने कृष्ण में डालकर रखी है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। भौतिक चीजों में इधर उधर काल के प्रभाव से उतार चढ़ाव आते रहेगा। तो इसीलिए टेम्पररी क्या है, परमानेंट क्या है, उसको हमें हमेशा ध्यान रखना है। सत्य क्या है, असत क्या है, फैलेबल क्या है, इनफैलेबल क्या है, इसीलिए हमेशा बुद्धि से हमको समझना है कि कहाँ पर क्या चीज, कितना कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो इसीलिए कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं कृष्ण भक्त, क्योंकि वो दूर का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म उनको देखना है, उनको टेम्पररी हैप्पीनेस नहीं चाहिए, उनको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, उनको इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए। तो जब उसके हिसाब से हम सोचेंगे, तो वास्तव में हमको पता चलेगा। अगर हम हरि नाम, जैसे सनातन गोस्वामी ने इस ब्राह्मण को भी जो भौतिक
धन के लिए शिव जी को पूजा कर रहा था, वहां से वो पूरा बदल कर हरिनाम चिंतामणि लेकर वो हमेशा हमेशा के लिए वो असली धन को पाकर वो भगवान की ओर जाने लगा। तो ऐसे सनातन गोस्वामी ने बहुत सारी सुंदर लीलाएं और की, आगे कभी समय मिलेगा तो हम और चर्चा कर सकते हैं क्योंकि समय काफी हो चुका है। तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निथाय गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।